अलीगढ़ के क्रिकेटर रिंकू सिंह के भारतीय टीम में चयन होने पर जनपद के क्रिकेटर्स व क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसे लेकर अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ग्राउंड महुआ खेड़ा पर रिंकू सिंह के मेंटर अर्जुन सिंह फकीरा व एकेडमी के सभी बच्चों ने केक काटकर जश्न मनाया। इस मौके पर रिंकू सिंह के माता पिता और परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अर्जुन सिंह फकीरा ने कहा कि आज हमारा सपना पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी है। रिंकू सिंह के भाई सोनू और भाभी आरती ने कहा कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, हमारा सपना पूरा हो गया है। इस मौके पर अलीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अब्दुल वहाब, ट्रेनर अमित राजौरिया, मेंटर सतीश यादव, सचिन जादौन, नितिन गुप्ता, फाजिल इलियासी, मंसूर अहमद आदि मौजूद रहे। मेरे साथ मौजूद है रिंकू सिंह की भाभी, किस तरीके से वो अपनी खुशी जाहिर करेंगी? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आरती है। आरती, जिस तरीके से लंबे समय के बाद में रिंकू सिंह का टीम इंडिया में चयन हुआ है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे आप? सर हमें बहुत खुशी है, हमें इस पल का बहुत काफ़ी टाइम से इंतज़ार था जी। और उन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है, तो कहते हैं ना जब मेहनत इंसान करता है तो रंग तो जरूर लेके आती है जी। तो बस हमें इसी पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था जी। और हमें बहुत खुशी है, आसपास के सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, उनके जरिए से हमें लोग जान रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कितना संघर्ष किया रिंकू सिंह ने इस बीच में? सर संघर्ष की तो कुछ पूछो ही मत, मेरी शादी को 14 साल हुए, मैं तो संघर्ष करते ही देखा उन्हें। अच्छा, संघर्ष करते ही देख रहे हैं। जी जी जी, उन्होंने मतलब जितनी मेहनत बताई जाए उनकी उतनी कम है, लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अच्छा, रिंकू सिंह ने तो संघर्ष मेहनत की, साथ में परिवार वालों ने कितना उनका साथ दिया, कितना संघर्ष किया? सर जिस मतलब जितना हमसे हो सका हमने किया ही है उनके साथ। जब लोग कहते हैं कि मतलब पापा जी डांटते थे, वो करते थे, देखो अपने बच्चे के लिए सभी लोग चिंतित होते हैं। अब मेरा बच्चा है, मैं भी कहूँगी कि बेटे पढ़ो और उसके बाद में अकेडमी वगैरह ज्वाइन करना, तो वही पापा जी डांटते थे, अब सब ने ये बोल दिया कि पापा जी रोकते थे, ये करते थे, वो करते थे। अपने बच्चे की हर किसी को परवाह होती है ना, एक परवाह के तौर पर पापा जी कहते थे, बाकी का तो जो सहयोग पापा जी से हो सका उन्होंने किया है, भैया ने किया है, इन्होंने मम्मी से हुआ उन्होंने किया है, जिनसे हुआ सब ने दिया है। अच्छा, जिस तरीके से रिंकू सिंह ने IPL में जिस तरीके से आतिशबाजी बल्लेबाजी की थी, तो अब टीम इंडिया में चयन होने के बाद में किस तरह की उम्मीद करते हैं आप उनसे? सर हमें तो उसी जैसे उन्होंने पहले किया था उसी तरह की मतलब उनसे भगवान से दुआ करते हैं कि उसी तरह से उनकी बल्लेबाजी जैसे उन्होंने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है ऐसे इंडिया के लिए करें, मतलब हमें बहुत खुशी होगी और आगे जाएं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, टीम इंडिया में चयन तो हो गया, अब उम्मीद है उनसे कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने बल्ले के द्वारा, और कितना आप ऊंचाई पे देखना चाहते हैं, जैसे कि कप्तानी हो गई और किस तरीके से? सर देखो अपने भाई की, अपने देवर की, देखो उनके ज़रिए से हमें जानते हैं, हम उनके ज़रिए से ये मतलब जैसे हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, हम जानते नहीं थे क्रिकेट क्या होती है, हमने यहीं आके सीखा है ना, तो उस हिसाब से मतलब जितने ऊँचे पौधे पे जाएंगे उतना ही हमें फ़ख्र होगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह वगैरह। ये बताइए रिंकू सिंह जी, जिस तरीके से इंडिया टीम में चयन हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? आप देख रहे हैं कितनी खुशी है, पापा डांस कर रहे हैं, मैं डांस कर रहा हूँ, भाई भाभी सारे पूरा घर डांस कर रहा है, खुशी बहुत है, बस कहा नहीं जा सकता, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजन? आज जो बच्चे हमारे क्रिकेट स्कूल के जादव राज के बच्चे हैं, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, बोले सर हम रिंकू सिंह के आज सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके ये प्रोग्राम कराया, और जो रिंकू सिंह आएंगे जो और बड़ा प्रोग्राम कराएंगे हम। तो कब अनुमान आने का रिंकू सिंह का? दो तीन दिन कराओ, दो तीन दिन में भैया मैं आऊँगा, दो तीन दिन में आएंगे। तो और रिंकू सिंह के फैन के लिए आप क्या कहेंगे? आप रिंकू बस धन्यवाद, उन्होंने उसे सपोर्ट किया और दिन रात उन्हें दुआ की और उन्होंने प्रार्थना भी की कि रिंकू कहते हैं इंडिया टीम में आए, सुबह से शाम तक फोन आ रहे हैं लोगों के, तो भैया रिंकू हो गया, रिंकू हुआ, अलीगढ़ का नाम कर दिया उसने, अलीगढ़ का नाम कर दिया, मुझे बहुत खुशी है, अलीगढ़ वालों को भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो रिंकू सिंह के फैन के लिए आप और क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस सेलिब्रेशन कर सकें? मैं कह रहा हूँ सभी पूरा अलीगढ़ उसके लिए सेलिब्रेशन करें और दुआ करें कि जब खेले तुरंत अच्छे करें और आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, रिंकू सिंह के भाई हैं जी। अच्छा, सामने देखिए, जिस तरीके से रिंकू सिंह का चयन हुआ है इंडिया टीम में, तो किस तरीके खुशी जाहिर करेंगे आप? बहुत खुशी है, बहुत टाइम से इंतज़ार था इसका, और अब आके खुशी मिली, रात बात भी रिंकू से, तो खुश था बहुत। अच्छा, जैसे देखा गया है कि IPL में जो उन्होंने इतना अच्छा धमाकेदार आतिशबाजी बल्लेबाजी करी, तो आप इंडिया टीम में जैसे उनका चयन हुआ, तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरीके से वो खेलेंगे? सर वो
डेफिनेटली अच्छा बैट्समैन है और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा अपनी टीम के इंडिया के लिए जी। और मिडिल ऑर्डर का तो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, वो सारी उम्मीद है हमें उनसे जी। तो रिंकू सिंह अलीगढ़ कब आ रहे हैं? अलीगढ़ अभी 2-3 दिन की बोला है, पता चले कब आए। तो उनका किस तरीके से आपने भूमिका बनाई है स्वागत के लिए? सर कुछ अच्छा ही स्वागत किया जाएगा जब वो अलीगढ़ आएगा जी। अच्छा, जो रिंकू सिंह के मित्र हैं या उनके फ़ैन हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? सर उनके लिए संदेश ये देना चाहूँगा, सभी ने बहुत दुआ की है रिंकू के लिए। मैंने जब वेस्ट इंडीज़ दौरे पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने कमेंट देखे थे KKR के पेज पर, तो सब को दुआ वो थी कि मतलब वो रिंकू खेलेगा वेस्ट इंडीज़ टूर पर, और उसे मौका नहीं मिला, अगर अब इसमें मिला है और अच्छा परफॉर्म करे, और सभी लोग उसके लिए ऐसी दुआ करते रहें। ठीक, आपका क्या नाम है? जी अब्दुल वहाब, मैं सेक्रेटरी हूँ अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन जी। आज का दिन बड़ा अहम है हमारे अलीगढ़ के लिए, मैं समझता हूँ इतिहास है एक तरह, हमारा बच्चा एक अलीगढ़ खिलाए, बड़े खुशनसीब हैं माँ बाप जिन्होंने इतना लायक बेटा किया। मैं दुआ करूँगा जो और भी पेरेंट्स हैं हमारे, एक नहीं 50 रिंकू खेले यहाँ से, और उसने ये दिखा दिया कि टैलेंट और बग़ैर सिफारिश के और डिसिप्लिन में कैसे खेला जाता है। मैं उसके लिए बहुत दुआएं करता हूँ, उसके लिए कामना है कि वो और भी आगे फॉर्मेट में खेले और बहुत कामयाब हो, इंडियन टीम में अपनी पक्की जगह बनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन, आज किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है? ये उसकी इंडिया की सिलेक्शन होने पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तो उसने इतिहास 5 छक्के मार के ही बता दिया था कि ये इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है जी। ये इंडिया जिसने साबित कर दिया था, 5 छक्के मार के अपलोड होना स्टार्ट कर दिया था इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह रिंकू सिंह रिंकू सिंह रिंकू सिंह चाह रहे थे। ये वाला तो उसने 5 छक्के मार के ही साबित कर दिया था। तो आप किस तरीके से खुशी जाहिर करेंगे जिस तरीके चयन हुआ है इंडिया टीम में रिंकू सिंह का? हमारा हॉस्टल, ये सारा हम सब मिलकर ये किया है इंडिया टीम में सिलेक्शन होने की खुशी में हम लोगों ने ये सब खुशी के माहौल बनाया है। अलीगढ़ में रिंकू सिंह के चयन के लिए उनका जिस तरीके से इंडिया टीम में चयन हुआ है उसको लेके एक भव्य सेलिब्रेशन हो रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे जो स्टेडियम में क्रिकेट सीखने के लिए आते हैं, उन्होंने अपने DJ पर, ढोल नगाड़ों पर और केक काट कर केक सेलिब्रेशन करके इस खुशी को जाहिर किया है। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DN News अलीगढ़।